नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है। वहीं इस महामारी ने अमेरिका में तो आतंक मचा दिया है। कोरोना महामारी के बाद असली नजरें अब वैक्सीन पर की हुई है। इस बीच रविवार को कोरोना वैक्सीन को लेकर अमेरिका से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया है कि अमेरिका में 11 या 12 दिसंबर से दरअसल कोरोना वैक्सीन बनाने वाली अमेरिका की दिग्गज कंपनी फाइजर और जर्मनी की उसकी साझेदार बायो एनटेक ने अपने कोविड-19 वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति लेने के लिए अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन में आवेदन किया था। इस दरबार को FDA वैक्सीन सलाहकार समिति से 10 दिसंबर को मुलाकात करने वाली है। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने कोरोना वायरस के 95% प्रभावी टीका विकसित किया है और वो इसके टीकाकरण के लिए अमेरिकी सरकार से इमरजेंसी इस्तेमाल की मांग कर रही है। फाइजर ने कहा कि वो आपातकालीन उपयोग प्रक्रिया को जल्द शुरू कर सकती है। खास बातचीत के दौरान अमेरिका में कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर मोनसिफ स्लाउ ने कहा कि अगर इस बैठक में हमारी योजना को इजाजत मिल जाती है तो वैक्सीन अब होती है। उन्होंने कहा कि अप्रूवल मिलने के 24 घंटे के अंदर ही वैक्सीन टीकाकरण का काम होगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि 11 या 12 दिसंबर से टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने जर्मनी की बायो एनटेक के साथ मिलकर ये वैक्सीन बनाई है। फाइजर दुनिया की उन पहली दवा कंपनियों में से है जिन्होंने फेज 3 स्टडीज के अंतरिम नतीजे जारी किए हैं। ये वैक्सीन 95% तक असरदार पाई गई है। जॉन्स यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में 12 मिलियन से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। इस महामारी से अमेरिका में अब तक 2,55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।